हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्रीम पफ और मैं अर्चना आज आपके सामने लेके आई हूँ 1 kg का चॉकलेट केक। एक्चुअली दोस्तों, ये जो मेरा केक है ये मुझे ऑर्डर आया था डच क्रीम का, लेकिन चूँकि ये कम बजट वाली केक थी, ओनली 550 में ही मुझे डिलीवर करना था, इसलिए मैंने इसमें कलर का इस्तेमाल किया है और सारे इन्ग्रीडियंट्स का जिक्र मैंने इस तरह से स्क्रीन पर शो कर दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज तैयार कर ली है कढ़ाई में हमेशा की तरह। अगर आपको ये रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और इसे मैंने ठंडा करने के बाद डीमोल्ड कर लिया है। ये देखिए कितना शाइनी हमारा स्पॉन्ज रेडी हुआ है। आज मैं इसे कट लगाने वाली हूँ 4 लेयर में, क्योंकि आज के इस केक में हम कम क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ मैं इस तरह से इसे कट लगा रही हूँ, काफ़ी पतला पतला लेयर में कट लगा रही हूँ दोस्तों। इस काम को बड़े ही सावधानी से करना है। चॉकलेट स्पॉन्ज है ये, इसमें क्रम्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा काफ़ी मॉइस्ट केक है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि कम क्रम्स निकल रहा है इसमें। और देखने में बेहद ही जालीदार और खूबसूरत सी हमारी स्पॉन्ज रेडी हुई है। और जितनी ये दिखने में है उससे कई गुना ये टेस्ट में अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। केक बोर्ड पर मैंने थोड़ी सी क्रीम अप्लाई कर ली है। मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया था, लगभग 400 ग्राम के करीब मैंने क्रीम लिया था। और यहाँ इसे मैं प्लेन वाटर से सोक कर रही हूँ। आप चाहे तो इस काम को कॉफ़ी वाटर के साथ कर सकते हैं। और मैंने जो यहाँ व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है वो रिच कंपनी की है, सनविप क्रीम है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया। इसके बाद इसमें जाएगा चॉकलेट सिरप, इसे भी मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है कि ये कौन सी कंपनी का मैं ले रही हूँ। तो दोस्तों, जब भी हमारे पास बात आती है ऑर्डर की तो हम बजट के अकॉर्डिंग ही अपने केक को प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ मैंने कुछ चॉकलेट चिप्स भी स्प्रेड कर लिया है। सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है दोस्तों। और जब भी हम अपने केक को तैयार करते हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर आता है, अगर वो बजट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बजट अगर कम है, जैसा ऑर्डर आया है उसी के अकॉर्डिंग हमें डिलीवर करना है, क्योंकि हम होम बेकर को ज़्यादा बजट तो होती नहीं है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने केक को प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। और यहाँ क्या करना है कि अगर आपको अच्छी ऑर्डर मिले, इट मीन्स कि आपको पेमेंट अच्छा हो रहा हो, तो आप ये चॉकलेट सिरप के जगह चॉकलेट गनाश घर पे तैयार करके दें तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और मैंने चॉकलेट गनाश को भी तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि आज मैं अपने केक में ड्रिपिंग करने वाली हूँ। तो दोस्तों, ड्रिपिंग के लिए जो हम गनाश तैयार करते हैं वो 1:1 रेशियो के इसमें मेथड में तैयार होता है हमारा। और मैंने गनाश को रेडी करके साइड में रख दिया है, चूँकि ये विंटर सीजन है तो ज़्यादा देर रखने से वो ठंडी हो जाएगी, फिर ड्रिपिंग हमारी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ मैंने क्या किया है, कुछ कलर्ड क्रीम को प्रिपेयर कर लिया है। मैंने यहाँ पर कुछ चॉकलेट कोकोआ पाउडर लिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक कलर का पाउडर कलर डाला है क्रीम में। ये मेरा मैजिक कलर था तो इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और टेस्ट पर भी इसका इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से इस कलर के क्रीम को तैयार कर लिया और इसकी एक पतली सी लेयर मुझे लगानी है। कुछ दिनों पहले मैंने क्या किया था ना कि मार्केट से मैंने पाउडर कलर ख़रीदा था, तो उसकी ब्रांड मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था कैसा है नहीं है। और बेकरी शॉप वाले ने कहा कि इसका भी फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो मैंने ले लिया, लेकिन वो थोड़ा सा नमकीन टाइप का मुझे लग रहा था। पर कुछ लोगों को इतना पसंद आया, मैं तो बनाते समय थोड़ा सा कंफ्यूज़ हो रही थी कि इस कलर का इस्तेमाल करूं कि नहीं करूं, लेकिन जब क्लाइंट से अच्छा फीडबैक मिला तो फिर से मैंने उस पाउडर कलर का इस्तेमाल किया। और यहाँ इस तरह से हमें क्या करना है कि ऊपर वाले हिस्से में एक पतली सी लेयर कलर्ड क्रीम की लगा लेनी है। तो ज़्यादा कलर का हमने इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों। आपने देखा कि मैंने बिल्कुल वाइट क्रीम का ही यूज़ किया है, सिर्फ ऊपरी हिस्से में मैं हल्का ये वाला क्रीम कलर दे रही हूँ। और इस तरह से प्लास्टिक कार्ड से मैं इसे शार्प एजेस कर रही हूँ। और ये देखिए काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो यहाँ मैं ड्रिपिंग कर ले रही हूँ। इसी तरह का डिज़ाइन मुझे आज प्रिपेयर करना था, तो मैंने सेम डिज़ाइन तैयार करके दी है अपने क्लाइंट को, जैसा मुझे ऑर्डर आया था।
तो दोस्तों यहाँ मेरी ड्रिपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और आपको दिख रहा होगा कि ये विंटर सीजन होने की वजह से ये थोड़ा सा जमने लगा और ये लास्ट वाली ड्रिपिंग ऐसी दिख रही है। तो जैसा मेरे पास डिज़ाइन था मैंने सेम आज प्रिपेयर करके दिया, जिससे क्लाइंट काफ़ी खुश हुए और टेस्ट का भी फीडबैक मुझे हर जगह से आता है कि बेहतरीन टेस्ट होता है आपके केक का। तो मैं उस दौरान कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप मत कीजिए, जो भी कमेंट देना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल पे दीजिए, ताकि लोगों को लगे जो मैं बनाती हूँ उसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो जब भी ये वाली रेसिपी कोई और ट्राई करे तो उन्हें भी समझ में आनी चाहिए कि हाँ इसका फीडबैक कैसा आने वाला है। और यहाँ मैंने 1 ml नूजल से कुछ रोसेट तैयार कर लिया है, क्योंकि जो मुझे डिज़ाइन दिया गया था उसमें सेम यही डिज़ाइन थी। तो ये मेरा आज का केक बिल्कुल रेडी है। और दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और आप भी इस केक को घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो काफ़ी कम लागत में हम मार्केट जैसा केक, और वो भी ताज़ा केक, फ्रेश केक, अपने बच्चों के लिए घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब मार्केट वाली बेकरी वाली टेस्ट हमें घर पे मिले तो क्यों ना इस चीज़ को हम घर पे ट्राई करें। और यहाँ मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है अपने केक को, और इसके बाद मैं क्या करूँगी, कुछ एडिबल वाइट पर्ल का उसमें डेकोरेशन था तो मैं भी सेम डेकोरेशन इसमें कर रही हूँ। तो है ना दोस्तों, काफ़ी सिंपल और खूबसूरत सा केक डिज़ाइन। आप ही इस केक डिज़ाइन को घर पे ज़रूर ट्राई करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ड्रीम पफ की ओर से अपलोड होने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल में और देते रहिए मुझे अच्छी वाली कमेंट। आपका प्यार, आपका जो कॉपरेशन है वही मुझे आगे लेके जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।